हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दादा ये कमलनाथ जी हैं, जो पंजा को निशान है जी है, पारुल दीदी पंजा में आ गई हैं और अपन को पंजा को वोट देने हैं। कैसे आपकी एक वोट दे हो तो सुर्खी विधानसभा में एक रोड बने, एक व्यक्ति एक वोट दे तो एक रोड बने, एक व्यक्ति एक वोट दे तो स्कूल है बने। ठीक है दादा, जल्यू बहुत अच्छा काम है। और दादा सब जनों से के पंजा पे वोट देने, पंजा ही पंजा के लाने देने, हमारों को तो वोट पेल चलाए। बिल्कुल बिल्कुल दादा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं में फतह हासिल करने का हर जोर हर दाव खेल रही है। ऐसे में इस प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में एक और भाजपा जातिगत सम्मेलन कर हर जाति को खुश करने का जतन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस हर घर पर माथा टेक कर उनका आशीर्वाद लेने का मन बनाकर सुर्खी की तरफ कूच कर गई है। दादा ये कमलनाथ जी हैं, जो पंजा को निशान है जी है, पारुल दीदी पंजा में आ गई हैं और अपन को पंजा को वोट देने हैं। कैसे आपकी एक वोट दे हो तो सुर्खी विधानसभा में एक रोड बने, एक व्यक्ति एक वोट दे तो एक रोड बने, एक व्यक्ति एक वोट दे तो स्कूल है बने। ठीक है दादा, जल्यू बहुत अच्छा काम है। और दादा सब जनों से के पंजा पे वोट देने, पंजा ही पंजा के लाने देने, हमारों को तो वोट पेल चलाए। बिल्कुल बिल्कुल दादा। कांग्रेस की तरफ से पारुल साहू हर एक मतदाता को अपने आप को सुर्खी की बेटी बताकर एक पारिवारिक रिश्ता मतदाता से जोड़ने का जतन कर रही है। ऐसे में भाजपा संगठन सम्मेलन और मीटिंग कर अपनी स्टाइल से चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर दरवाजे में जिस नेता ने लोकतंत्र पर दस्तक दी है उसके परिणाम भी बेहतर निकले हैं। आज कांग्रेस नेता पारुल साहू ने माँ रानगिर मैया के दर्शन कर सुर्खी के आसपास कई गांव का दौरा किया, घर घर दस्तक दी और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। उनके साथ महिला नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस विधानसभा में आने वाले दिनों पर चुनाव छिड़ेगा, जीत किसकी होगी यह तो नहीं मालूम, लेकिन इस चुनाव में जो होगा वो तारीख बनेगा और कई दशकों तक याद रखा जाएगा। जंग इस दफा भीषण होगी। भूपेंद्र शर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज सुर्खी। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।